हिमा सक्सेना, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो समाज की बात महिमा के साथ में। कहते हैं इंसानियत का सबसे बड़ा परिचय होता है मानवता, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेजुबान मासूम जानवरों को सड़कों पर वाहन से कुचलकर आगे बढ़ जाते हैं, या फिर उन्हें तड़पते हुए देखकर अनदेखा कर देते हैं, जो कि मानवता के खिलाफ है। पर आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बेजुबानों से बहुत प्यार करते हैं। दरअसल आज जो शख्स की हम बात कर रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि वो खुद एक समाज सहयोगी और मानवता के बहुत बड़े उदाहरण है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भिंड मध्य प्रदेश से अनंत इंसानियत जी की, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने अपनी संस्था के माध्यम से बेजुबानों की सेवा करने का कार्य शुरू किया। अनंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव में। अनंत जी, इस वक्त पूरा देश आपको सुन रहा है। जी मैम, आप सबसे पहले सभी देशवासियों को अपनी संस्था के बारे में बताइए, कैसे अवगत कराएंगे आप सभी देशवासियों को अपनी संस्था से? बिल्कुल। पहले तो मेरा नाम अनंत इंसानियत है। मेरा नाम इंसानियत है तो ये सुनकर लोगों को थोड़ा डाउट होता है कि इंसानियत कौन सा धर्म है। सरनेम तो बहुत सारे सुने हैं, खान सुना है, शर्मा सुना है, लेकिन ये कौन सा धर्म है? इंसानियत धर्म। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंसानियत धर्म क्या है। काफी समय पहले 2014 में, आजकल देश में, समाज में जाति भेदभाव को लेकर बहुत झगड़ा होते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, और आपने तो देखा ही है कि समाज की क्या हालत है। सिख, ईसाई, धर्म, जातियों के नाम पर लड़ रहे थे, तो इसको देखकर हम लोगों को थोड़ा बहुत कष्ट हुआ। तो इसको देखकर मैंने ये देखा कि कुरान शरीफ हो या भगवत गीता हो या बाइबल हो, इन सब में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। दूसरों के काम आ जाओ, हर किसी के अंदर ऊपर वाले का वास है। ये सोचकर हम लोगों ने सबसे पहले सबसे बड़ा धर्म अपने नाम के साथ इंसानियत जोड़ दिया, जो सारे धर्मों का सार, ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई, जो सारे धर्मों का सार है वो हमने नाम के साथ अपने साथ जोड़ दिया। इसीलिए हम सारे लोग अपने सरनेम की जगह इंसानियत लिखते, जिसमें हर धर्म के लोग। ओके, अरन जी, आपके साथ और कितने सहयोगी हैं जो बेजुबानों के लिए आपके साथ कार्य कर रहे हैं? इस मुहिम में 300 से 400 लोग हैं जो अपने सरनेम की जगह इंसानियत भी लिखते हैं, और इस मुहिम में कंधे से कंधे मिलाकर हमेशा साथ रहते। अच्छा, कितने साल हो गए आपके इस संस्था को, कितने समय से आप ये संस्था चला रहे हैं? इसको 7 साल हो गए जी। ओके, अनंत जी, अभी हमारी स्क्रीन के सामने एक तस्वीर दिखाई दी, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपकी समिति के द्वारा एक नुक्कड़ नाटक किया गया हो, तो क्या आप इस तस्वीर के माध्यम से हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि ये तस्वीर आपने मतलब क्या किया है? आजकल देश में नशाखोरी, जो नशा करते हैं बच्चे, की वजह से हम लोगों का एक छोटा सा एक आश्रम चलता है जानवरों के लिए। तो उसमें क्या रहता है कि हमारे बेचारे जो जानवर रहते हैं उनको तेज गाड़ी, तेज रफ्तार से लोग आते हैं, उनकी कमर तोड़ जाते हैं, फिर हमारे पास फोन आता है, फिर हम उनको लेके आते हैं अपने आश्रम में जगह देते हैं। अभी 3 दिनों में कम से कम 15 से 20 ऐसे जानवर आए हैं हमारे पास जिनकी कमर तोड़ दी गई, और किस कारण से? उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी तेज गाड़ी की रफ्तार से। तो इस चीजों को देखते हुए हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक शुरू किया, जो नशा करते हैं ये चीजें सब कुछ करते हैं, इसके लिए हम लोगों ने रोड पे जा जाके नृत्य के माध्यम से, डांस के माध्यम से, और बहुत सारे स्टेज शो किए, और रोडों पे जा जाके हमने लोगों को सिखाया कि जीवन एक बार मिला है, मानव जीवन एक बार मिला है, क्यों ना इसको हम सही जगह से इसको व्यतीत करें, क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इस तरीके से काफी लोग हमारे ग्रुप में जो पहले जो जुड़े नहीं थे वो नशा करते थे। इस चीज को देखकर काफी लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा, और ये देखकर काफी लोग हम लोगों से जुड़े, और आज हम लोगों के ग्रुप में 300 से 400 लोग हैं, वो मीठी सुपारी तक भी नहीं खाते। अनंत जी, आपकी समिति का जो ये ड्रेस कोड है वो ब्लैक ही क्यों है? आप कोई और कलर भी ले सकते थे, रेड है, ब्लू है, व्हाइट है, आप कोई और कलर भी ले सकते थे, क्योंकि काले कलर को लोग नकारात्मक मानते हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो काले कलर को नकारात्मक मानते हैं, फिर भी आपने ब्लैक कलर ही क्यों लिया, ये आप बताना चाहेंगे हमें? जब शुरुआत की ना इस ग्रुप की तो बड़ा संघर्ष हुआ, क्योंकि जब हमने अपने सरनेम की जगह इंसानियत लिखा तो काफी लोगों ने विरोध किया
अरे ये पता नहीं क्या काम करते रहते हैं, हिंदू मुसलमान को एक कर रहे हैं, छोटी जाति बड़ी जाति, काफी सारे झगड़े हुए, काफी लोगों ने आरोप लगाया। अंधविश्वास तो हमारे देशों में जो बढ़ता जा रहा है उनको लेकर काफी लोगों ने बहुत सारे आरोप लगाए, और जब सत्य के मार्ग पे चलते हैं, जब सही रास्ते पे, तो काफी लोग दुनिया दुश्मन भी हो जाती है। तो एक समय तो ऐसा आया कि हम लोग तो कमजोर भी पड़ गए थे कि लोग हम इतना अच्छा काम करते हैं फिर भी हमारे दुश्मन है, क्या हमने किया। तो हम जब टूटने लगे तो एक सोचा कि जब अच्छे अच्छे चाहे देश के लोग, चाहे भगत सिंह हो, चाहे भगवान ही क्यों ना हो, चाहे रामचंद्र भगवान हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, जब लोगों ने इनको चैन से नहीं रह दिया, तो हमने सबसे बड़ा खतरे का कलर हमने ब्लैक अपने जीवन में अपनाया, काला, क्योंकि लोग हमें काला बुराई कहते थे। तो हमने कहा बुराई को जीतने के लिए हम काला ही रूप धारण करेंगे, इसलिए हम लोगों ने काला कर जी, लिया। आप पहली बार जब अपनी संस्था के साथ बेजुबानों की सेवा के लिए निकले थे तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया पहली बार में? पहली बार जब हम लोग ये काम करने निकले तो पहले तो उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा चलो कुत्तों को खाना खिला रहे हैं। जब हमने लगातार इस काम, तो फिर काफी लोगों ने कहा कि इनके पास काम धंधे नहीं है, कोई काम धंधे है नहीं, तो जानवरों की सेवा ही कर रहे हैं, फालतू लोगों का काम है ये, पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है। जबकि हमारे ग्रुप में गरीब लोग भी हैं और अच्छे अच्छे सोसाइटी के लोग भी हैं जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए, जो जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बेचारे टमटम चलाते हैं, जो अपना पेट भी पालते हैं और उसके साथ साथ इन जानवरों के लिए भी सब करते हैं। क्योंकि हम लोग किसी से रुपए नहीं लेते, अभी हम लोग खुद से ही करते हैं, तो उसमें गरीब भी हैं, पैसे वाले हैं, सब लोग मिलके करते हैं। तो काफी लोगों ने तो ये भी कहा कि ये जानवरों के लिए कर रहे हैं, इनको काम धंधा नहीं है, और काफी लोगों का तो इतना झगड़ा रहता है कि ये कुत्तों को घुमा रहे हैं, ये गंदगी कर रहे हैं, तो काफी लोगों ने झगड़े भी किए, लेकिन हम लोग तो इंसानियत कर रहे हैं ना, तो हर किसी के अंदर ऊपर वाले का पास देखते हैं, तो हम लोग करते चले। आप इस देश के लोगों से बेजुबानों के लिए क्या खास अपील करना चाहेंगे? उनके लिए बस हम यही अपील करना चाहेंगे, सबसे पहले तो आप जो गाड़ी चलाते हैं उसको स्लो चलाएं, क्योंकि इसके माध्यम से कम नहीं तो ऐसे 500 से 600 जानवर होंगे जिनका हम इलाज कर सके, जो गाड़ियों का ही शिकार होंगे। और जब गाड़ी चढ़ भी जाती है, जब उनके ऊपर से निकल जाती है, तो कम से कम अगर हम 2 मिनट देख के अगर इंसानियत का हक अदा करें, क्योंकि जैसे इंसान तो अपना हक अदा कर सकता है, क्योंकि हमारे पास तो शरीर भी है, हम भीख भी मांग कर अपना काम चला सकते हैं, लेकिन वो बेजुबान किसी से नहीं बोल सकते। जैसे हमारे अंदर फीलिंग होती है वैसी उनके अंदर भी फीलिंग होती है। जैसे मेरे पास एक चंदू है जो बंदरिया है, जिसकी कमर टूट गई थी, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, उन्हें जानवरों ने यानी कि कुत्तों ने बुरी तरह घायल कर दिया, तो हम अपने पास लेके आए तो उसका इलाज किया, वो आज इतना प्यार करती है, जब आप देखेंगे ना तो आप ये सोचेंगे इतना तो इंसान इंसान को प्यार नहीं कर सकता, इतना वो मुझसे प्यार करती है, मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। आनंद जी, आप इस संस्था के अलावा भी कुछ और करते हैं, जैसे आपकी कुछ तस्वीरों में जो डांस, आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, आपकी एक डांस एकेडमी है, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, एक मेरी डांस एकेडमी है जो भिंड शहर में चलती है, वहाँ पे जो डांस है उसको सिखाते हैं, वहाँ पे छोटी सी क्लास चलती है, जो छोटे छोटे जो इवेंट होते हैं वो भी करते हैं। तो कई बार ऐसा सुना है कि आपकी डांस क्लास से बहुत सारे लोग हर साल रियलिटी शोज में जाते हैं, तो कहा जाता है कि सबसे पहले तो गुरु की जितनी सेवा होती है उतनी साथ शिष्य की होना चाहिए, तो क्या जो आपके साथ आपकी संस्था में लोग हैं आधे से ज्यादा ये आपकी क्लास वाले हैं, ये अलग से कुछ है इसमें, आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? क्लास के तो 8 से 10 लोग हैं, और काफी लोग जो पिंड से प्रभावित हुए हमारे काम से वो लोग जुड़े हुए हैं, और काफी लोग पिंड से आउट ऑफ सिटी भी जुड़े हुए हैं, जो हमारे काम को देखकर पसंद करते हैं कि हम नहीं जुड़ पाते, और वो प्रोग्राम वगैरह होता है, नुक्कड़ नाटक होता है, तो वो पिंड शहर में भी आते हैं कि हम आपके नाटक में हम भी शामिल हो, और जब हम लोग जब वो नाटक करते हैं ना डांस के माध्यम से, तो लोग बहुत प्रभावित होते हैं, और बीच रोड पे जब वो देख रहे होते हैं तो वो रोने लगते हैं कि हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, हमने अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने में, हमारे अंदर भी एक फीलिंग होनी चाहिए, हमारे अंदर भी एक इंसानियत होनी चाहिए, हमारे अंदर भी जाति भेदभाव का लगाव नहीं होना चाहिए, हमें भी एक इंसानी धर्म से जुड़ना चाहिए, और हमारा सपना भी यही है कि पूरे शहर में क्या पूरे भारत देश में ये चीज हो कि सब लोग भाईचारे से रहें, जाति भेदभाव को खत्म कर सके। कईयों गांव ऐसे हैं जहाँ आज भी ऐसे नियम है, यहाँ कुएं का पानी भी छोटी जातियों को नहीं दिया जाता, कहते तू छोटी जाति का, तो ये देख के बहुत कष्ट होता है। हम लोगों ने जब शुरू किया तो हम लोगों को भी बहुत कष्ट हुआ, अब तो लोगों का सपोर्ट मिला, 7 जुड़े लोग, जब हमने शुरुआत की तो 5 से 6 लोग थे, तो बहुत परेशान। अनंत जी, क्या इस वक्त आपकी समिति के सदस्य यहाँ आपके साथ मौजूद हैं? क्या हमारे दर्शक देख सकते हैं उन्हें? हाँ, कुछ लोग मौजूद हैं।
ठीक है, आ जाओ। हाँ अक्षय भाई आ जाओ ना इधर। इंसानियत युवा समिति, इस वक्त पूरा देश आपको देख रहा है। इस वक्त अगर मैं कहूं तो पूरा देश आपकी आवाज सुन रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सभी देशवासियों को? आप क्या संदेश देना चाहेंगे इन बेजुबानों के लिए? जैसे कि हमारे सर ने जैसे कि आपको बताया कि जिसकी लोग हैं जो तेज गाड़ियां चलाते हैं और उनसे जानवर छोटे हो जाते हैं, तो जैसे कि हमारे सर ने संदेश दिया है कि वो लोग तेज गाड़ियां ना चलाएं और जिससे जानवरों को होते हैं जो उससे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो रुकेंगे। अगर वो तेज गाड़ियां नहीं चलाएंगे, धीरे गाड़ी चला के निकलेंगे, जो जानवर होते हैं उनको देख के निकलेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। और कोई संदेश देना चाहेंगे आप लोग? सभी से बस एक ही हमारा अनुरोध रहता है, जैसे हमारे जिस फील्ड में काम करती है मुख्यतः ये रहता है, एक तो जाति भेदभाव का जैसा भी सर ने बताया, दूसरा एक नशाखोरी पे हम लोग बहुत काम करते हैं। प्रयास रहता है कि जैसे आजकल का यूथ जो है, मतलब उनकी कुछ उम्र भी नहीं होती, लेकिन जब देखते हैं ना उनको बीच चौराहे खड़े हुए सिगरेट पी रहे हैं या फिर कुछ ऐसे गलत चीज कर रहे हैं, तो बहुत बुरा लगता है कि अभी तो इनकी उम्र भी नहीं और इनके माता पिता क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इनसे और ये यहाँ पे इस तरीके का काम करते हैं। तो बस एक ये चीज रहता है, एक संदेश लोगों तक पहुंचा सके कि नशाखोरी जो अभी लोग इतना करते जा रहे हैं उसके प्रति उसको रोक सके और ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके, जिससे नशाखोरी करने से होगा क्या, उनका ही नुकसान होना, पैसे की बर्बादी होती है और लोगों की नजर में हमारा नेचर भी खराब होता है और हमारा शरीर का भी नुकसान होता है। तो सबसे बस यही प्रार्थना है कि इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहें, बल्कि थोड़ा सा क्यों इनसे दूरी ही बना के रखें और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें, जिससे लोग समझ सके कि हमारे जो हमें जो शरीर मिला है उसकी कीमत क्या है और हम इसका सदुपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। आनंद जी, आपका और आपकी समिति का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पी लाइव मीडिया आप सभी के कार्य की सराहना करता है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि समाज में इंसानियत युवा मंडल जैसी और भी समितियां इस समिति के जैसे सहयोग करें, जो ना सिर्फ अपने बारे में सोचते हों बल्कि बेजुबानों के बारे में भी दया रखते हों, तो कोई भी बेजुबान इस तरह सड़कों पर यूं ही तड़पते हुए नजर नहीं आएगा। हम फिर बात करेंगे समाज की एक नई सोच के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव, हर खबर का हर एक पहलू आपके साथ।